आगे बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में सीएम को लेकर सस्पेंस बरकरार है और सीएम फेस को लेकर कई दावेदारों की चर्चा तेज है। सीएम फेस को लेकर दिल्ली में बीजेपी की बैठक हुई है और बीजेपी आज पर्यवेक्षकों की घोषणा कर सकती है। विधायक दल की बैठक के बाद सीएम के नाम का ऐलान होगा। तो मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में सीएम को लेकर सस्पेंस लगातार बरकरार है और दावेदार जो हैं वो कई हैं, करीब एक दर्जन भर दावेदार हैं। उनके नामों को लेकर लगातार चर्चा की जा रही है कि किस नाम को लेकर संगठन में कंफर्टेबल स्थिति रहेगी। आरएसएस को भी देखना है, जनता को भी देखना है और बीजेपी से जुड़े हुए तमाम जो समाज हैं उन समाज के प्रतिनिधियों को भी देखना है। तो मध्य प्रदेश में छत्तीसगढ़ में सीएम के पद को लेकर लगातार चर्चाएं तेज हैं, गतिरोध बरकरार है और ये वो बड़े चेहरे हम आपको दिखा रहे हैं मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के, जो कि यहां पर सीएम पद की दावेदारी को लेकर सबसे आगे चल रहे हैं। मध्य प्रदेश में कैलाश विजयवर्गीय हों और ज्योतिरादित्य सिंधिया हों, प्रहलाद पटेल हों, नरेंद्र तोमर हों, ये वो तमाम बड़े चेहरे हैं। और इधर छत्तीसगढ़ से पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह, उसके बाद प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव, रेणुका सिंह का नाम भी महिला चेहरे के नाम पर लगातार आगे चल रहा है। और इसी बीच सीएम कौन बनेगा इसको लेकर दोनों ही सूबों के तमाम मतदाता, पार्टी के कार्यकर्ता और आम लोग भी इंतजार कर रहे हैं। बताया जा रहा है कि लगातार पर्यवेक्षकों को लेकर कवायद चल रही है कि पर्यवेक्षकों की नियुक्ति आज हो जाएगी और इसके बाद 2 से 3 दिन के अंदर आखिरकार कौन मुख्यमंत्री बनेगा इसको लेकर तस्वीर साफ हो जाएगी। मध्य प्रदेश के ये बड़े चेहरे, इनमें से पार्टी किसी को सीएम पद की कमान सौंप सकती है, ये आपकी स्क्रीन पर शिवराज सिंह चौहान, प्रहलाद पटेल, नरेंद्र सिंह तोमर, कैलाश विजयवर्गीय और ज्योतिरादित्य सिंधिया। कैलाश विजयवर्गीय का बयान बहुत ज़्यादा लाइमलाइट में चल रहा है। उन्होंने कहा कि यहाँ पर रविवार तक स्थिति जो है वो क्लियर हो जाएगी और रविवार तक सीएम कौन होगा इस बात से पर्दा हट जाएगा। तो लगातार कैलाश विजयवर्गीय भी अपने नाम को लेकर दावेदारी कर रहे हैं और उन्होंने केंद्र को लेकर लगातार जो केंद्र की योजनाएं हैं उसको अपने बयानों में फोकस में रखा है। छत्तीसगढ़ के ये बड़े चेहरे, इनमें सबसे पहले पूर्व सीएम रमन सिंह की दावेदारी सबसे ज्यादा है, उसके बाद अरुण साव, विष्णुदेव साय, ओपी चौधरी, रामविचार नेताम और रेणुका सिंह, ये वो बड़े चेहरे हैं जो छत्तीसगढ़ में आगे चल रहे हैं। इन्हीं में से किसी पर भारतीय जनता पार्टी सीएम पद को लेकर दांव लगाएगी या फिर इन सबको चौंकाते हुए, जैसा कि भारतीय जनता पार्टी ने बीते कई वक्त में कई बार कई राज्यों में एक नया नाम पेश कर दिया है, ये भी देखने वाली बात रहेगी। क्योंकि अमित शाह और नरेंद्र मोदी ने जब से पार्टी की कमान संभाली है तब से कई ऐसे चौंकाने वाले फैसलों के लिए ये दोनों ही नेता जाने जाते हैं। ऐसे में लगातार कयासों का दौर जारी है। ज्योतिरादित्य सिंधिया, नरेंद्र सिंह तोमर, कैलाश विजयवर्गीय, प्रहलाद सिंह पटेल, बीजी शर्मा, ये वो बड़े नाम हैं जिनके ऊपर मुख्यमंत्री पद को लेकर चर्चाओं का बाजार गर्म। तो आज पर्यवेक्षकों की, ऑब्जर्वर्स की आज नियुक्ति भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कर दी जाएगी और उसके बाद ऑब्जर्वर संबंधित राज्य में पहुंचेंगे और पहुंचने के बाद वहां पर विधायक दल की बैठक लेंगे जहां पर सीएम पद के चर्चा का उल्लेख किया जाएगा, घोषणा की जाएगी। तो कौन मुख्यमंत्री बनेगा उसको लेकर ये बड़े चेहरे आपकी स्क्रीन पर, छत्तीसगढ़ के चेहरे अरुण साव, लता उसेंडी, गोमती साय, रेणुका सिंह, ये तमाम वो चेहरे हैं। तो ये चेहरे आएंगे या फिर कोई नया चेहरा इसको लेकर दोनों ही सूबे की जनता लगातार बेसब्री से इंतजार कर रही है। तो आने वाले 2 से 3 दिन के अंदर भारतीय जनता पार्टी किसको मुख्यमंत्री पद की जिम्मेदारी संभालने को दे सकती है इसको लेकर लगातार कवायद चल रही है। भारतीय जनता पार्टी के तमाम कद्दावर नेता, राष्ट्रीय स्तर के नेता दिल्ली में बैठकें कर रहे हैं, प्रदेश स्तर पर भी बैठकों का दौर जारी है।